गुड मॉर्निंग बच्चों, आपके पाठ से कुछ पाठों को आपके बुक से हटा दिया गया है, इसलिए मैंने बीच बीच के पाठों को छोड़ दिया है। और जो पाठ मैं करवा रही हूँ वही आपको याद करना और कॉपी में कंप्लीट करना है। मैं इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग सोच रहे हो मैडम छोड़ छोड़ के क्यों पढ़ा रही हूँ, इसीलिए पढ़ा रही हूँ कि आपके कोर्स से कुछ पाठों को हटा दिया गया है। तो ये पाठ आपका छूट गया था इसलिए मैं इसको पढ़ा रही हूँ, ये आपके कोर्स में है। साथी हाथ बढ़ाना, तो पाठ का क्या नाम है बच्चों? ये है पाठ साथी हाथ बढ़ाना। साथी यानी क्या होता है बच्चों, आप लोग तो जानते होंगे मित्र। साथी यानी क्या होता है? मित्र। हाथ यानी तो जानते होंगे क्या होता है। बढ़ाना यानी आगे करना। बढ़ाना यानी क्या होता है? आगे करना। इस तरह पाठ का नाम क्या है? साथी हाथ बढ़ाना। तो साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। पहले हम इस गीत को पढ़ लेते हैं फिर इसका अर्थ समझेंगे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा। किसने रास्ता छोड़ा बच्चों? सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। पर्वत यानी तो आप समझते हैं ना क्या होता है बच्चों? पर्वत यानी पहाड़। पर्वत ने शीश झुकाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें। इसको आप भी एक बार इस गीत को अच्छे से पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। इसको आप पढ़ेंगे भी गीत को और एक बार लिखेंगे भी। कल गैरों के खातिर की आज अपने खातिर करना, अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथी हाथ बढ़ाना। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो ईशा बस में कर ले किसी के साथ हाथ बढ़ाना। ठीक ना बच्चों? क्या है फिर से एक बार देखिए। एक से एक मिले तो ईशा बस में कर ले किस्मत, साथी हाथ बढ़ाना। तो इस पाठ के जो लेखक हैं बच्चों कौन है? साहिर लुधियानवी। कौन है बच्चों? साहिर लुधियानवी। इसके लेखक कौन है इस पाठ के? साहिर लुधियानवी। तो जैसा मैंने बताया आपको साथी हाथ बढ़ाना, तो साथी यानी मित्र, हाथ यानी तो आप जानते हैं, बढ़ाना यानी आगे करना। तो इस कविता को फिर से देखते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तो एक अकेला व्यक्ति अगर किसी काम को कर रहा है तो क्या होगा बच्चों? थक जाएगा। इसीलिए किसी काम को हमें कैसे करना चाहिए? मिलकर करना चाहिए, साथी हाथ बढ़ाना। इसलिए सभी साथी मिलकर के किसी काम को करने के लिए अपने हाथ बढ़ाएं आगे। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा। जब मेहनत वालों ये मिल करके कदम बढ़ाते हैं अपना, तो क्या होता है बच्चों? सागर रास्ता छोड़ता है और पर्वत शीश झुकाता है। फौलादी हैं सीने अपने, फौलादी हैं बाहें। हमारे सीने कैसे हैं बच्चों? फौलादी हैं और बाहें भी फौलादी हैं। हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दें राहें। अगर हम मिलकर चाहें तो क्या कर देंगे? चट्टानों में, बड़े बड़े पहाड़ों पर
क्या कर दें बच्चों, राह बना दें, यानी रास्ता बना दें, जहाँ कोई रास्ता दिखाई ना देता हो, अगर हम चाह लें तो क्या कर दें, वहाँ पर मिलकर रास्ता बना सकते हैं। साथ ही हाथ बढ़ाना, इसलिए सभी मित्र एक साथ मिलकर अपने हाथ को आगे बढ़ाना, काम करने के लिए, किसी भी काम को करने के लिए अगर हम मिलकर आगे बढ़ते हैं तो वो काम क्या हो जाता है बच्चों, आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है। इसीलिए हमें किसी काम को मिलकर ही करना चाहिए। मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। मेहनत जो है बच्चों वो तो अपनी लेख यानी किस्मत की रेखा है, तो मेहनत से क्या डरना, तो फिर मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए, हमें मेहनत करना चाहिए। कल गैरों के खातिर की आज अपने खातिर करना, कल हम जो मेहनत करें वो गैरों के लिए दूसरों के लिए करते थे, आज हमें अपने लिए मेहनत करना है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। अपना जो दुख है बच्चों क्या है, वो अपना दुख भी एक है, सभी साथियों का दुख क्या है, एक है, किसी को अगर दुख होता है तो वो हमारा दुख भी है। और साथी अपना सुख भी एक, अगर कोई भी साथी साथ में चल रहा है उसको अगर कुछ खुशी मिलती है तो वो सुख भी हमारा ही है, ऐसा हमें सोचना चाहिए। अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। जो हमारी मंजिल है बच्चों कैसी है, सच की मंजिल है, यानी हम सही रास्ते पर चलते हैं। और अपना रास्ता कैसा है, नेक है, यानी नेक यानी क्या होता है, नेक यानी नेक रास्ता, सही रास्ता। सब साथी हाथ बढ़ाना, इसलिए हमको अपने साथियों के साथ मिल करके किसी काम को करने के लिए आगे हाथ बढ़ाना चाहिए। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, अगर एक से एक मिलती है तो राई क्या बन सकती है बच्चों, पर्वत बन सकती है। और एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत, अगर एक एक इंसान यानी मिले तो क्या कर सकता है, किस्मत को बस में कर सकता है। इसलिए साथी हाथ बढ़ाना, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, साथी हाथ बढ़ाना यानी मिलकर किसी काम को करने के लिए हाथ आगे बढ़ाना चाहिए बच्चों। अगर हम मिलकर काम करते हैं तो काम आसान हो जाएगा, अच्छे से होगा और जल्दी होगा, इसीलिए हमें आपस में मिलकर किसी काम को करना चाहिए। इस पाठ का अर्थ यही है बच्चों, जो साहिल लुधियानवी जी ने लिखा है। आगे हम देखते हैं प्रश्न अभ्यास, इसमें दिया है गीत से, इस गीत के किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की जिंदगी से घटते हुए देख सकते हो। दूसरा क्या है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, साहिल ने ऐसा क्यों कहा है, लिखो। तीसरा प्रश्न क्या है, गीत में सीने और बांह को फौलादी क्यों कहा गया है, तो आप इसका उत्तर होमवर्क है, ये तीन क्वेश्चन हैं, ये तीन प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं, इसका उत्तर आप अपनी फेयर कॉपी में लिखेंगे। और गीत से आगे देखिए क्या दिया हुआ है, अपने आसपास तुम किसे साथी मानते हो और क्यों, ये आपको लिखना है कि अपने आसपास आप किसको साथी मानते हैं और क्यों मानते हैं, इससे मिलते जुलते कुछ और शब्द खोज कर लिखो। तो किससे साथी से मिलते हुए शब्द आप खोज करके अपने कॉपी में लिखेंगे, जैसे साथी है वैसे ही और शब्द ढूंढकर अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक। कक्षा, मोहल्ले और गांव, शहर के किस किस तरह के साथियों के बीच तुम्हें एक वाक्य की सच्चाई को महसूस होती है और कैसे, ये क्वेश्चन भी आप कॉपी फेयर कॉपी में करेंगे। इस गीत को तुम किस माहौल में गुनगुना सकते हो, एक अकेला थक जाएगा मिलकर बोझ उठाना। तुम अपने घर में इस बात का ध्यान कैसे रख सकते हो। दूसरा है, पापा के काम और माँ के काम में क्या क्या है, क्या वे एक दूसरे का हाथ बटाते हैं,
ये सभी प्रश्नों के उत्तर आप कंप्लीट करेंगे। फिर जो आपसे नहीं बनेगा कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं करके भी आपको दूंगी। आप होमवर्क में करेंगे, जो कुछ क्वेश्चन हैं उनके आंसर मैं आपको लिख कर भी करवाऊंगी, जिससे आप कॉपी अपनी कंप्लीट करेंगे। अभी देखिए कहावतों की दुनिया में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये मुहावरे हैं, इसका वाक्य में प्रयोग करना होगा। एक और एक मिलकर 11 होते हैं, ठीक बच्चों। फिर दूसरा नंबर क्या है, ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ किन किन पंक्तियों से मिलता जुलता है। खा नंबर को छोड़ दीजिए। दूसरा नंबर देखिए, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए हुए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। हाथ को हाथ ना सूझता, हाथ साफ करना, हाथ पैर खोलना, ये हाथ हाथ लेना, हाथ लगाना, ये सब मुहावरों का अर्थ मैं आपको कॉपी कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है बच्चों, इस गीत को आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे और कॉपी में लिखेंगे। आज का वीडियो बच्चों यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे।